नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज एक बड़े ही संवेदनशील टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं कि आखिर ये बिजली गुल क्यों है। जी हां, हम सबके दिमाग में इस समय यही एक सवाल चल रहा है। जब डाइनिंग टेबल पे बैठकर एक मिडिल क्लास परिवार खाना खा रहा होता है तो माँ कह देती है कि बेटा इस बार सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा, नया सिलेंडर लाना है। यही इस समय हमारे यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ घर जो हैं इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं और अब इंडक्शन नहीं चल पा रहे हैं, गैस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मेरा मतलब है LPG का, बिजली नहीं आ रही है, बूढ़े और बच्चे परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, 10th के बोर्ड हैं, हर किसी क्लास का एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है, लेकिन बिजली विभाग जो है चैन की नींद सोया है। बूढ़े परेशान हैं कि वो TV नहीं देख सकते, घर में एंटरटेनमेंट का एकमात्र साधन। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में अगर मैं सिर्फ कटरा की ही बात करूं तो बुरी तरह से जो व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। डीजल की खपत होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में ज़्यादा हो रही है क्योंकि बिजली गुल है। और ये बिजली आखिर गुल क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। जब बिजली विभाग को फ़ोन किया जाए तो बारिश का बहाना लगा दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि तारें टूट गई हैं, कोई कहता है कि ग्रिड की रिपेयर चल रही है। कटरा जैसे स्टेशन में जहां पर करीब 1 करोड़ यात्री हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां 2 साल से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिजली कब चली जाए पता ही नहीं चलता। कभी बिजली ज़्यादा समय के लिए जाती है, कटौती ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन जाती ज़रूर है और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। जब आम आदमी JKPDCL का जो कंज्यूमर है वो बिल पे नहीं करता तो पीनलाइज किया जाता है, उसको इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब जो ड्राइव चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि बिजली की जो कनेक्शन है घरों में वो काट दिया जाए, होटल्स में जो कनेक्शन है वो काट दिया जाए क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा। लेकिन आज मैं एक सवाल जो है सरकार से भी पूछना चाहता हूं, इस कानून व्यवस्था से भी पूछना चाहता हूं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहता हूं कि अगर गलती जो है बिजली विभाग द्वारा हो तो क्या बिजली विभाग को पेनलाइज करने का कोई प्रावधान है? अगर मैं एक विक्रेता हूं जो अपना बिजली का बिल समय पर भरता हूं तो क्यों मुझे बिजली जो है 24/7 नहीं मिल पा रही? मैं एक समय था, मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब कटरा में बिजली काफी कम गुल होती थी या नहीं होती थी, लेकिन जो 2 साल से स्थिति बन चुकी है, यहां पर व्यवसायी परेशान है क्योंकि उसको डीजल भारी मात्रा में हर रोज खरीदना पड़ता है जिसकी वजह से उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि बिजली नहीं आती। तो क्या सरकार या बिजली विभाग इसका जवाब देगा कि अगर जो नुकसान एक आम आदमी का, एक बच्चे का उसकी पढ़ाई को लेकर, एक बूढ़े व्यक्ति का जो रिटायरमेंट के वक्त कुछ एंटरटेनमेंट TV देखकर करना चाहता है, जो उसका नुकसान हो रहा है, या एक व्यवसायी का जो नुकसान हो रहा है, क्या बिजली विभाग उसको भरेगा? जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है क्या वो इसका जवाब देगी कि क्या सिर्फ पेनलाइज करने का हक सरकारी डिपार्टमेंट को ही है या फिर एक आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए भी कोई कानून है अगर गलती सरकारी डिपार्टमेंट की हो? मैं पिछले दिनों की बात करूं तो करीब 5 दिन से मुश्किल से 8-10 घंटे कटरा जैसे शहर में बिजली आ रही है, ज्यादातर बिजली बंद रहती है, कपड़े धुल नहीं पा रहे, खाना बराबर बनाया नहीं जा रहा, इन्वर्टर्स जो एक एक्स्ट्रा बर्डन एक आम आदमी पर है वो भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं,
छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस को इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है, और जो बड़े होटल्स हैं, बड़े गेस्ट हाउसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो आखिर सरकार इसका जवाब दे, बिजली विभाग इसका जवाब दे कि बिजली गुल क्यों है, और अगर गुल है तो क्या आम आदमी को उसके बदले में कोई फायदा मिलेगा या नहीं, या सिर्फ आम आदमी ही सरकारी विभाग द्वारा या कानून व्यवस्था द्वारा पीनलाइज होता रहेगा। इसका जवाब सरकार दे, और इसका सवाल जो है आम आदमी जरूर सरकार से पूछे।